हेलो दोस्तों, मैं राहुल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राहुल टेक ऑनलाइन। आज के वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है शौचालय, जो स्वस्थ भारत मिशन के तौर पर जो 12,000 रुपये का अनुदान मिला है वो कैसे ले ऑनलाइन घर बैठे। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करके दिखाएंगे, सिर्फ आप मेरे वीडियो पर बने रहे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले अपने मोबाइल के एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, इस प्रकार से गूगल। चलिए इसमें सिंपली सर्च कर देना है SBM। यहाँ पर देख सकते हैं SBM Phase 2। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते ही थोड़ा सा वेट कर लेंगे और नीचे आ जाना है। यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन देगा, एक रजिस्ट्रेशन के देगा। बिल्कुल आप नए हैं तो सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाने के बाद इस प्रकार के एक इंटरफेस दिखाई देगा सामने। देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का। चलिए इसमें क्या क्या भरना है फटाफट आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर देना है, जिसके नाम से होगा उसका मोबाइल नंबर। उसके यहाँ पर फुल नेम लिखा जाएगा, उसके बाद वो मेल है फीमेल है वो लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस उसका फिलअप कर देना है। चलिए फिर से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर उसका स्टेट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर देना है, जैसे 4 4 9 6 4 4 9 सॉरी, सिंपली सिलेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं फटाफट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं बिहार से हूँ, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारा कुछ फिलअप हो जाने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देंगे, फिर से एक नया इंटरफेस यहाँ पर सामने खुले दिखाई देगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के सक्सेसफुली यू हैव द सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, काइंडली यूज रजिस्ट्रेशन। आपका जो मोबाइल नंबर है वो लॉगिन आईडी है और जो मोबाइल नंबर के लास्ट 4 अंक है, जैसे मेरा 9345 है, वो मेरा पासपोर्ट हो गया लास्ट 4 अंक का, इस प्रकार के आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन कैसे करना है इसके लिए आपको बताते थे। सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर ओके वाले पर क्लिक करना है। चलिए ओके वाले पर क्लिक कर लेते हैं हम और नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन का, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेंगे और थोड़ा सा रुक जाएंगे, मेरे को दूसरा पेज पे लेके जाएगा, ये रिडायरेक्ट खुद ही कर देगा। यहाँ से हम लॉगिन पेज पे आ गए, देख सकते हैं एज लॉगिन। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे पासपोर्ट देना है। चलिए मोबाइल नंबर यहाँ से फटाफट हम फिलअप कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में आएगा चेंज पासपोर्ट का होगा, इसमें ओल्ड पासपोर्ट देना है जो 4 अंक के मोबाइल नंबर वो वाला, इसमें नया पासपोर्ट जनरेट करना है। यहाँ पर भी एक कंफर्म पासपोर्ट, पासपोर्ट किस प्रकार से रहेगा इसके बारे में आपको बताया। जैसे यहाँ पर मेरा नाम राहुल है, आर कैपिटल में रखेंगे, AHUL है राहुल, एक एट द रेट या हैच टैग दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 इस प्रकार के बनाइएगा, आपको एक ही बार में ले लेगा। चलिए इस पर हम फटाफट इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करते ही यहाँ से होम पेज मेरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा होम पेज। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नेम, मोबाइल नंबर और जनरल और पूरा एड्रेस यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करने का मिलेगा ऑप्शन, आपको पूरा दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे साइड में आपको 3 डॉट दिखाई देगा, सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक किए, इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन और एक चेंज पासवर्ड का। व्यू एप्लीकेशन में आप वहां से स्टेटस जाके देख सकते हैं। चलिए सिंपली यहां से हमें न्यू एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है। चलिए इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे कुछ फॉर्म आ जाएगा जिसे आपको भरना है। सबसे पहले यहां से राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपको एक ब्लॉक सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं अपना। चलिए यहाँ से मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। चलिए नीचे आ जाएंगे, यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से हम ब्लॉक चूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम ब्लॉक चूज कर लिए, यहाँ उसके बाद हम यहाँ से पंचायत सेलेक्ट करेंगे। चलिए पंचायत पर क्लिक करेंगे, पंचायत पर क्लिक कर देने के बाद इसके बाद विलेज सेलेक्ट करना है, अपना विलेज नाम। चलिए यहाँ से अपना विलेज नाम दे देंगे, इसके बाद फिर से एक बार और यहाँ से विलेज नाम अपना देना है। चलिए यहाँ से फिर से एक बार विलेज नाम अपना सेलेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम अपना विलेज, उसके बाद सेशन बी में आ जाएंगे। सेशन बी में यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। चलिए आधार कार्ड दे देंगे, जैसा उसका नाम है उसका सबसे ऊपर में उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख देंगे और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करके वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। चलिए नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स या हस्बैंड नेम, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है।
जिसके आधार पे है, जिसका ये ऑनलाइन हो रहा है, उसके हस्बैंड या फादर्स नेम देना है। चलिए नीचे आ जाएंगे, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। चलिए जेंडर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। और नीचे आ जाएंगे, यहाँ से नीचे आ जाने के बाद कैटेगोरी वाले पर सेलेक्ट करना है, एपीएल बीपीएल जो होगा आपका उस पर सेलेक्ट कर देना है। चलिए ये मेरा एपीएल वाले पर, चलिए इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। और नीचे आ जाने का सब कैटेगोरी, यहाँ से इसके बाद जाति पूछा जा रहा है, एससी एसटी जो होगा उस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके आधार नंबर को छोड़ देना है, नीचे आ जाना है, यहाँ से मोबाइल नंबर दे देना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना है, उसके बाद सेशन सी में आ जाना है। सेशन सी में बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, सिंपली कुछ नहीं आपको करना है, सिंपली आईएफएससी कोड आपको सबसे पहले फिलअप करना है। आईएफएससी कोड देंगे, यहाँ पर नो योर आईएफएससी कोड पर क्लिक करते ही सारा पूरा आपका डिटेल्स बैंक का ऑटोमेटिक फुली अटैच कर लेगा। चलिए नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। इसके बाद चलिए नीचे आ जाएंगे, यहाँ के बैंक डिस्ट्रिक्ट ये ऑटोमेटिक फिलअप कर लिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर दोबारा दे देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर ही। यहाँ पर पासबुक या चेकबुक का फर्स्ट पेज का स्कैनिंग जो 200 KB से कम होना चाहिए, ये पीडीएफ जेपीजी पीएनजी या किसी भी फाइल में सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फाइल में, इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से आप अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का दिया हुआ, चलिए सिंपली अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले पे क्लिक करते ही इसके बाद आपको होम वाले पे यहाँ पर सक्सेसफुली की एक और रेफरेंस नंबर आपको दे देगा। इसके बाद यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, चलिए व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर कब रिसीव हुआ, एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। सिंपली ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है, क्लिक करते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल दे देगा, किसके नाम से क्या है सारा कुछ यहाँ से आपको दे देगा, यहाँ से आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरा फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ से भरा गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।